बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के कारण से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़े मज़ेदार सी रेसिपी, गोभी की, गोभी और मटन। और आज जो है ना, ये वाली रेसिपी मैं नए तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने भी ऐसे मतलब इस तरीके से बनानी है। और ये जो है ना, जब बनकर तैयार होगी तो आप लोग भी कहेंगे कि माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी है और आप लोगों ने बनानी है लाजमी और खानी है। और फिर मुझे जो है ना कमेंट में बताना है कि मेरे तरीके से जो आप लोगों ने बनाई थी कितने मज़े की बनी थी। और जब मैंने ये बनाई थी ना, तो इसमें जो है ना मतलब ये गोश्त का मतलब गोश्त का जो जायका था ना, पूरी गोभी में से आता था जिस तरीके से मैंने बनाई। और आप लोगों ने देखना है कि आज जो है ना आप ही किस तरीके से बनाती है गोभी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए आज की जो है ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमारी गोभी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और जब मैंने पानी डाला ना गोभी में गलने के लिए कुकर में, तो पानी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और उस पानी को जो है ना मैंने ज़ाया नहीं किया, मैं साथ ही साथ डालती रही ताकि इसका जो है ना गोभी और को इसका जायका बरकरार रहे, जायका कहीं जाए नहीं। तो पानी को जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, अगर आप लोगों से भी ज़्यादा हो जाए तो। पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि कुकर में पानी इतना ही डालना है कि गोभी जो है ना गल जाए अच्छे से, मतलब सब्ज़ी जो होती है ना खुद अपना पानी भी छोड़ती है। तो जब पानी ज़्यादा हुआ तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, मैं साथ ही साथ डालती रही। यहाँ पे ये देखें हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल रेडी, और किस किस को पसंद है गोभी। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।